जिस स्थिति में जम्मू और कश्मीर को छोड़ा गया था, पिछले कुछ दशकों में उसने 40,000 से अधिक लोगों की जान ले ली थी। इनमें बड़ी संख्या में हमारे सैनिक भी थे। इसमें हरियाणा के भी अनेक परिवार हैं जिनके वीर सपूतों ने मातृभूमि की रक्षा के लिए, कश्मीर के लोगों की हिफाजत के लिए अपना बलिदान दिया है। इन्हीं परिवारों के त्याग और तपस्या का सम्मान करते हुए जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बेहतर भविष्य के लिए जम्मू और कश्मीर के वास्तविक एकीकरण का फैसला लिया गया है। आपकी भावनाओं के अनुरूप आर्टिकल 370 अब आर्टिकल 370 से भी देश को मुक्ति दिला दी गई है। मैं जरा हरियाणा के लोगों से पूछना चाहता हूं, आप जवाब देंगे? जवाब देंगे सब लोग पूरी ताकत से जवाब देंगे? ये 370 हटाने का फैसला आपको मंजूर है? आप खुश हैं? मुझे ऐसे ही आगे बढ़ना चाहिए? आपके आशीर्वाद बने रहेंगे? राष्ट्रहित में लिए गए फैसले से आप अधिक खुश हुए हैं? पूरा देश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साथ आज खड़ा है। लेकिन कांग्रेस के कुछ नेता देश और दुनिया में इस निर्णय को लेकर के अफवाहें फैलाने में जुटे हैं। मेरे कांग्रेस के भाइयों और बहनों, अरे आपको मोदी को जितनी गाली देनी है दो, बैंकॉक, थाईलैंड, वियतनाम, जहां से भी गालियां इंपोर्ट करनी है तो भी करने की छूट। मोदी पर जो कहना है कहिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेहरबानी करके हिंदुस्तान जिस तरह आज हिम्मत के साथ आगे बढ़ रहा है उसकी पीठ में छुरा भोंकना बंद कर दीजिए। और आप में हिम्मत है तो कहिए कि हम 370 वापस लाएंगे। कह दो ना, जरा जरा बाजार में निकलो, कहो, मैं देखता हूं कैसे कहते हो। आपको ये मंजूर है क्या? कांग्रेस की बात मंजूर है क्या? क्या ये देश के लिए ठीक बोल रहे हैं क्या? तो ऐसी कांग्रेस को सजा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? कठोर से कठोर सजा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? देश हित के लिए फैसला करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? 21 तारीख को करेंगे, पक्का करेंगे, हर बूथ में करेंगे, हर गांव में करेंगे। मुझे विश्वास है कि हरियाणा इसका करारा जवाब 21 अक्टूबर को देगा।